हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। #honest She's just herself. You know, आप भी कई बार जैसे you know you're going to interviews, you're doing promotions, थोड़ा सा थोड़ा आप you know prim and proper, you're sitting and you're giving answers and everything. That girl will always be herself. And if she's like, आज मैं मस्ती वाले मूड में हूँ, तो वो मस्ती वाले मूड में होगी. So I think #honest really fits. ये हैं डोली सिंह जिन्होंने बयान दिया है फिराज शहनाज गिल पर. दरअसल ये शहनाज के साथ फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग में नजर आ चुकी हैं और उनके साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं, बड़े पर्दे पर दिखाई दे चुकी हैं. खास बात यह है कि डॉली यहाँ पर यह बताती हुई नजर आई हैं कि एक हैशटैग जो शहनाज पर फिट बैठता है वो है #honest, यानी कि वो जैसी है वो वैसी ही है. शहनाज के बारे में ये कहते हुए डॉली ये भी कहती हैं कि कभी कभी आपका मन होता है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करते हो. शहनाज सब कुछ अपने मन के अकॉर्डिंग करती हैं. कभी कभी जैसे आप कहीं इंटरव्यू लेने जाते हो, आप सोचते हो आप इस तरीके से बैठोगे, ये करोगे वो करोगे, वो नहीं सोचती हैं. वो उस टाइम पर जो फील कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी. अगर उसका मस्ती का मूड है तो वो मस्ती करेगी, अगर उसका आज कुछ भी करने का मूड नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करेगी. वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और ये हैशटैग उस पर पूरे तरीके से फिट बैठता है. यहाँ पर डॉली ने इतना बड़ा बयान शहनाज गिल को लेकर दे दिया है. अब आप खुद सोचिए, जिसने साथ में काम किया हो शहनाज के, वो शहनाज को अच्छे से तो जानती ही होंगी और इतनी प्यारी बातें उनको लेकर वो कर गई हैं. पूरी की पूरी असलियत वो बता गई हैं. ये कैमरे के पीछे की असलियत है, क्योंकि कैमरे के सामने तो आप सभी शहनाज को देख ही लेते हैं. कैमरे के पीछे की असलियत अक्सर लोग ही बताते हैं, जो कि फिलहाल डॉली बताती हुई नजर आई हैं. आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और इस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें. हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं.